प्रिया कैसेट प्रेजेंट। की आंखों में नीर जब भर आया, आनंद ने वचन सुनाए, आज आनंद रोने लगे तो महामुनि के परिनिर्माण बात उन पर सहन ही विचार करने लगे हैं, जो हमारे साथ में जिन्होंने संसार को प्रकाश संसार को उजाला किया, आज वो हमें छोड़कर जा रहे हैं, जिनका अंत समय आ गया है। आंखों में आंसू भर आए, आनंद रोई के समझाया, अब तुम्हारे बगैर हमारा क्या हाल होगा। तो भगवान आनंद को समझाते, आनंद मन में इतना मत दुख करो, मन में मत इतना दुख करो, दुनिया ये आनी जानी, विचार कर रहे हैं कि अब भगवान ने यह भी कह दिया है कि रात्रि के तीसरे पहर में हमारा परिनिर्माण होगा, हमारा परिनिर्माण होगा। याद रखना बैसाखी पूर्णमासी का दिन,
कि रात्रि में आज बिच्छुओं को करुणा के सागर भगवान बुद्ध समझा रहे हैं, अंतिम समय समझा रहे हैं। लेकिन जब तीसरा पहर आया उस दिन करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने समाज को संसार को नया प्रकाश देते देते मानवता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे उनकी अवस्था 80 वर्ष की हो गई थी। 80 वर्ष की हो गई थी। बैसाखी की पूर्णिमा रात्रि का तीसरा पहर की बैसाखी की वो पूर्णिमासी और वो तीसरा पहर जब आया जब तीसरा पहर आया है तो आज भगवान ने कुशीनगर के मल्लों के साल वन आज अपना परिनिर्माण प्राप्त किया है। और जब परिनिर्माण प्राप्त किया है तो याद रखना आनंद का तो रो रो करके बुरा हाल था, अब जब रो रो करके बुरा हाल था सभी भिक्षु संघ आज वहां रुदन कर रहा है जहां पर देश को प्रकाशित दुनिया को प्रकाश देने वाले करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण को प्राप्त किया। परिनिर्वाण को प्राप्त किया है तो याद रखना आनंद की तो वो दशा थी जो भगवान के सबसे प्रिय शिष्य थे, हर सहायक हर सेवा में सदा तत्पर रहे, तो वहां आनंद आर परिनिर्माण जब भगवान लो आनंद ने रुदन साल बनो के बीच नीचे को कैसो दुख आयो अवस्था में पर प्राण गए दुनिया को प्रकाश कर गए गए सत्य को ज्ञान बताई को पाठ पढ़ाई नहीं साई
मानवता का पाठ पढ़ाए नहीं सादा।